अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहजीब हुसैन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अपने हवाले से बात करूँ तो आज बहुत खुश हूँ, एक्साइटेड भी हूँ और सच कहूँ तो थोड़ा डर भी लग रहा है, क्योंकि आज जिनका इंटरव्यू करने जा रही हूँ, जिनसे आप लोगों की मुलाकात करवाएंगे, वो मेरे बॉस भी हैं। तो उनके साथ बात करेंगे, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, उनका तारुफ मैं करा ही नहीं सकती, उनका नाम ही काफ़ी है। जनाब काशिफ अब्बासी साहब आज हमारे साथ हैं और इनके साथ कुछ गपशप करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। आपने मुझे डांटना नहीं है, आपको पता है कि अभी कैमरा ऑन है और मैं रो भी पड़ती हूँ। 9 बजे के बाद नहीं डांट पड़ती किसी को, प्रोग्राम 9 बजे खत्म हो जाता है। असली हम शुरू करेंगे आपके बचपन से, कि बचपन में आप कैसे बच्चे थे, अम्मा अब्बा के लाडले पढ़ाकू वाला बच्चा कैसा बच्चा? एक तो इतनी उम्र हो गई कि बचपन इस टाइम पे भूल जाता है वैसे काफ़ी सारा, लेकिन बचपन मैंने मेरे वाले साहब की तो आई डोंट रिमेम्बर है, उनकी डेथ हो गई थी, बहुत छोटा था मैं। अम्मा का बहुत लाडला था, इंतहाई शरारती था, बड़ी मार खाई अम्मा से। सो बचपन तो जिस तरह का बाकी बच्चों का होता है उसी तरह का बच्चा। तो पढ़ाई में आप कैसे थे? पढ़ाई में ठीक था, मतलब मैं ज़्यादा, क्योंकि अगर मैं और पढ़ता तो शायद और अच्छा होता। हम क्रिकेट खेल के बहुत ज़्यादा हमेशा से, मैं तो जिंदगी में मुझे सम ऑड रीज़न मैं सामने नहीं बैठता हूँ, मैं हमेशा मैं स्कूल से लेकर अब तक मैं हमेशा सबसे क्लास के पीछे। आई डोंट वांट अटेंशन। मैं मतलब मैं ये बड़ा अब नॉर्मल लगेगा मेरे मुंह से कि समबडी वो कम्स ऑन टीवी, लेकिन मैंने ज़िंदगी में मुझे कभी अटेंशन सीकिंग या होता सबसे आगे जाके खड़े हो जाएँ, तस्वीरें खिंचवाएँ, मुझे कभी ज़िंदगी में कोई शौक नहीं रहा। सो आई वॉज ऑलवेज अ बैक बेंचर, आई वॉज ऑलवेज अंडरस्टेटेड, अगर मैं इसको कहूँ तो ज़िंदगी ऐसे गुजारी थी। नहीं, ऐसा होता था आपके रिजल्ट आ रहा है अब बड़ी डांट पड़ेगी इस टाइप की? नहीं, आपको कभी प्रेशर नहीं था? ओके, लेट मी पुट इट दिस वे, रिजल्ट में मेरा कभी भी ये नहीं था कि मैं रिजल्ट में इधर आ जाऊँगा, लेकिन ये भी नहीं होता था कि मैं इधर ज़मीन पर रहूँगा, कि मैं आपको बहुत ही बुरा अंडर परफॉर्म था। मैं स्कूल कॉलेज ऑलवेज मैं ठीक था, ठीक से बेहतर था। आई वॉज एन ए प्लस स्टूडेंट, आई वॉज एन B+A इस कैटेगरी का स्टूडेंट था हमेशा। स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कौन सा आपका फेवरेट? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी हमारा फर्स्ट इंटरेक्शन था, हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, कोई एजुकेशन का भी ना, सारी उम्र लड़कों के स्कूल में पढ़े थे। सो बहुत से दोस्त बने, बहुत सी लड़कियां दोस्त बनी, बड़ा एक नया एक्सपीरियंस था कि यू नो यूर इंटरेक्टिंग विद वुमेन। शुरू में तो समझ भी आती, कम ही आती होती थी कि यू नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते। बट अदरवाइज ऑल्सो मेरा बड़ा प्रोटेक्टेड चाइल्डहुड था, क्योंकि मेरी अम्मा बड़ी सख्त थी, घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। क्रिकेट का बड़ा शौक था, वो भी नहीं खेलने देती ज़्यादा। तो यूनिवर्सिटी वॉज द फर्स्ट रियल फ्रीडम एक्सपीरियंस, जिसको कहते हैं ना आज़ादी है पूरी, निकलें घर से आराम से वापस आए, दैट काइंड ऑफ। मतलब आप फिर भी ये कहूँ कि मुझे यूनिवर्सिटी ट्रिप्स पर जाने की इजाज़त नहीं, मैं नहीं जा सकता था, नहीं इजाज़त मिलती थी। मतलब मेरी अम्मा बड़ी डैडी थी, लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ में मैंने बड़ा इन्जॉय किया। अच्छा, आपको क्रिकेट का भी बहुत ज़्यादा शौक है, उसने आपकी पढ़ाई को अफेक्ट किया? बहुत ज़्यादा। मुझे याद है मेरा FSC का केमिस्ट्री का पेपर था, उसे 2 दिन पहले मुझे कहते थे कि जी कंफर्म करें मैच पे आना कि नहीं। भाई लीग होती थी जो लोकल लीग होती है, हमारा क्लब था, उन्होंने कहा जी पहले कंफर्म करें आना कि नहीं आना। मेरे भाई ने कंफर्म कर दिया, हम दोनों का केमिस्ट्री का पेपर था। अब मैं कहूँ यार अगर अम्मा ने आखिरी टाइम में मना कर दिया, नहीं जाने दिया, फिर क्या करूँगा? मैं कहा यार मैं आने की कोशिश करूँगा, इंशाल्लाह आ जाऊँगा, बट आई कांट रियली कन्फर्म कि मैं आऊँगा ही आऊँगा। उन्होंने मुझे खिलाया भी नहीं, मैं फिर भी सारा दिन बैठ के मैच देखता रहा स्टेडियम में, पिंडी स्टेडियम में मैच था। सो इतना शौक था कि इवन 2 दिन बाद केमिस्ट्री FSC एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम्स थे, क्रिकेट खेलनी, सारा दिन क्रिकेट खेलता रहना। सो इस हद तक शौक था मुझे। मैं अंडर 19 के लिए भी सिलेक्ट हुआ, पर मेरी अम्मा कहती थी नहीं पाक इस्लामाबाद से बाहर नहीं जाना। अभी कौन सा टूर ऐसा, कौन सी चीज़ ऐसी होती है जो आपको एक शहर में सारे मैच खिलाए? मतलब उनके दर मेरी भूपी का पुत्र तो नहीं है वो जो डिवीजन की क्रिकेट चला रहे हैं, उस वजह से मुझे वो भी छोड़नी पड़ेगी। बहुत सारा कुछ इसलिए छोड़ दिया कि अम्मा बड़ी सख्ती कहती थी शहर से बाहर नहीं जाना। नेशनल लेवल पे कुछ आपने शायद अंडर 19 ही थे ना, जो अंडर 19 में आई गॉट पिक फॉर पिंडी के साथ खेलना, वो ये आपका मैं बहुत कम लोग थे जो जेन्युइन अंडर 19 थे। मेरी एक्चुअल उम्र 16 साल 17 साल थी, मैं फर्स्ट ईयर का, मैं ससेद कॉलेज फर्स्ट ईयर में था। तो मैं शायद मुझे लगता है उस वक्त मुझे लगता था कि मुझे पसंद भी सिलेक्टर्स करते थे कि यार ये ठीक खेलता। अच्छा, पैशन में तो क्रिकेट को लेकर आपकी अभी भी कमी नहीं आई है अगर देखा जाए तो, चाहे आप सियासत में क्या भी हो रहा हो, आपकी जो मोहब्बत है क्रिकेट के साथ। आज जाहिर है वो जब हम प्रोग्राम कर रहे हो और पाकिस्तान का मैच लगा हो तो साथ एक टीवी पे पाकिस्तान का मैच सामने लगा होता है, जब सवाल पूछे मैं बाकी मैच देखता रहता हूँ। सो आई लव माई फर्स्ट रियल पैशन एंड लव इन दिस लाइफ वॉज क्रिकेट। और उससे मैंने फर्स्ट टाइम जो होता है ना सीरियसली आप को पैशनेटली किसी चीज़ को करते हो, मैंने क्रिकेट को किया था, तो इस वजह से वो पैशन अब तक चल रहा है। अच्छा, आपका पोलिटिकल बैकग्राउंड है, आपके वालिद पॉलिटिक्स में थे, आप पॉलिटिक्स की तरफ नहीं गए?
तो ये पॉलिटिक्स और क्या होती है, जो कर रहा हूँ वो पॉलिटिक्स ही है। सियासत में तो नहीं, आप जरा डिफरेंट तरीके से, आपका इंटरेस्ट नहीं था? नहीं नहीं भाई, वो देखिए पॉलिटिक्स प्रोफेशन की तरह नहीं है। आम प्रोफेशन में तो आप एक एजुकेशन लेते हैं, उसके मुताबिक आप कहते हैं जी आपके वाले साहब डॉक्टर थे तो आपको शुरू से ही उस फील्ड में जाना पड़े। पॉलिटिक्स इज नॉट समथिंग यू स्टार्ट डूइंग एट 20 एंड सेकेंडली माई फादर डाइड वेरी अर्ली। सो मेरा जो अपने इलाके गांव है जो हमारा या जो मरी से मैं हूँ, मेरा इतना इंटरेक्शन वहाँ पे या इतना आना जाना वहाँ पे है नहीं। है मतलब आई गो बट उतना रेगुलर नहीं हूँ जितना होना चाहिए। एक दूसरा पॉलिटिकली कभी इंक्लाइंड उतना था नहीं कि मैं पॉलिटिक्स को देखूँ, उसको सीरियसली करूँ। आई लव माई प्रोफेशन। जब मैं इस प्रोफेशन में आया उस 20s में, तो उसके बाद फिर वो नो टर्निंग बैक। अब पॉलिटिक्स है क्या, मुझे नहीं लगता कि मैं इस मुल्क की पॉलिटिक्स में, आज तक तो नहीं लगता, कल का मैं कुछ नहीं कह सकता कि मैं इस मुल्क की पॉलिटिक्स में फिट हो सकता हूँ। मतलब आपने हाथ बांध के खड़े हो जाना, वो कहें इस टाइम रात के अगर 9:30 बजे हैं, अगर कोई ये कहे कि जनाब इस टाइम लीडर के दोपहर के 9 बजे हैं, सुबह के 9 बजे हैं, दोपहर के 2 बजे हैं, और आपको फिर वही कहना पॉलिटिक्स यही है पाकिस्तान की, मैं ये काम शायद नहीं कर सकता। और ट्रेनिंग भी ऐसी है कि आप इतना इस फील्ड की ट्रेनिंग ऐसी है कि आप इतना ज़्यादा यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग, अगर अपनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हो जाती हैं कि आप, मेरा ख्याल है इससे जान छुड़ाना कई दफ़ा बड़ा मुश्किल है। अच्छा, बाहर से जब आप पहले जब यूनिवर्सिटी में थे उस लाइफ में, तो उस वक्त आप सोचते थे कि मैंने मीडिया में जाना है? नहीं नहीं, नेवर, आई नेवर थॉट अबाउट दिस। इंसिडेंटली व्हेन आई फिनिश्ड माय सेकंड मास्टर्स, मैं कर रहा था बल्कि मेरी प्रोजेक्ट था, तो उस दौरान 9/11 हुआ। 9/11 हैपेंड, ऑल द इंटरनेशनल मीडिया केम टू पाकिस्तान। लकीली आई गॉट इनटू CNN, उसने मुझे वो रास्ता दिखाया कि जिसमें आई कुड सी कि यार ये कितना हाउ फन इट इज। आप खबर के मुझे भाग रहे हैं, इधर जा रहे हैं, मुझे आई ऑलवेज थॉट कि मैं 9 से 5 वाला काम मैं नहीं कर सकता। बिस्तर वो डेस्क के पीछे बैठे रहो सारा दिन, कंप्यूटर के साथ कोई आ जाए बॉस तो कंप्यूटर के साथ खेलते रहे, जस्ट टू शो के मैं काम कर रहा हूँ, मैं नहीं कर सकता था। मैं यूज टू से दिस टू माई फ्रेंड्स कि यार मेरे से 9 to 5 जॉब बड़ी मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। सो दिस अपॉर्चुनिटी ओपन अप, आई हैड टू वर्क वेरी हार्ड बट आई डिड व्हाट आई डिड बिकॉज आई लव व्हाट आई वाज डूइंग। आपने जब ये स्टार्ट किया था मीडिया में जब आए थे, आसान था ये? आप दी काशिफाबासी हैं, लेकिन इसके पीछे सक्सेस स्टोरी होगी आई एम श्योर, स्ट्रगल होगी? देखिए स्ट्रगल तो सबकी है, आई कांट इमेजिन, बहुत कम लोग होंगे जिनको बड़ी आसानी से, जिनको आसानी से मिल जाता है उनको कदर भी नहीं होती। स्ट्रगल है ज़ाहिर है, आई स्टार्टेड फ्रॉम द वेरी बेस लाइन। जो टेलीविजन मीडिया में एक फिक्सर होता है, जो आई यूज़ टू कैरी दीज ट्राईपॉड्स एंड कैमराज अपने कैमरामैन के साथ, फील्ड में जाना, काम करना, फिर रिपोर्टिंग के तौर पे, रिपोर्टर के तौर पे शुरू करना। रिपोर्टर बड़ा धक्के मार क्वारी का काम है, आप हर दिन सारा दिन घूमते फिरते रहते हैं, कभी इधर जाना कभी उधर जाना। रिजेक्शन फेस करते थे आप तब? मतलब आपका पैशन ये बन गया और लेकिन आपको फेस करने बात नहीं बन रही, इस टाइप की चीजें आपकी लाइफ में थी? किस टाइप की? कि आप मतलब चाह रहे हैं कि मैंने ये करना है, लेकिन शुरू शुरू में इनिशियली क्योंकि आप नए होते हैं तो आप सम चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही होती, इस किस्म का? देखिए ये तो जो साइकिल है जिंदगी का, उसमें ये फेलियर तो सबसे पहली सीढ़ी है। ये नहीं हो सकता कि मैं आके बैठा हूँ, मुझे किसी देखते सार का हूँ गॉड का है, इसको इदारे का CEO बना दो, इसको प्रेसिडेंट बना दो, इसको एंकर बना दो। यू हैव टू वर्क एवरी स्टेप ऑफ द वे, एक एक स्टेप लेकर आपको आगे जाना। ये तो इसके बगैर बहुत कम लोग हैं जो आप देखेंगे स्काई रॉकेट करें, मतलब आज सुबह बैठे कुछ और कर रहे हैं और शाम को एक ओवर अचीवर बन जाए। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है, अक्सरियत लोग अपने ग्राइंड से गुजरते हैं, उस ग्राइंड से गुजरना पड़ता है, दैट टीचेस यू। उस ग्राइंड से नहीं गुजरेंगे तो अगर आप ऊपर जाके बैठ भी जाएंगे, यू मेक मिस्टेक्स दैट यू शुड हैव मेड जब आप नीचे थे, उन गलतियों से सीखते सीखते आप उस जगह आते हैं जहाँ पर आपकी गलतियाँ कम हो जाती, खत्म नहीं होती, कम हो जाती। अगर आप सीधा उधर जाके बैठेंगे तो फिर यू नो सिंस यू हैवंट मेड योर मिस्टेक्स, यू हैवंट लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स, यू कीप मेकिंग दोज मिस्टेक्स इन लाइफ। सो इसलिए वो लॉन्ग टर्म अमूमन नहीं रहता अगर आप सीधे ऊपर आके बैठे। दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि हम, मैंने नीचे से शुरू किया, गलतियाँ की, सीखा, फिर उधर आए। अच्छा, आपने फील्ड रिपोर्टिंग भी किया और प्रोग्राम भी आप होस्ट करते हैं, तो आपको दोनों में से ज़्यादा अच्छा क्या लगता है? देखिए फील्ड रिपोर्टिंग में थोड़ा सा ये ज़रूर था कि कोई प्रेशर, इस तरह का प्रोग्राम एक प्रेशर भी है सर, फील्ड रिपोर्टिंग में इस तरह के प्रेशर साथ नहीं होता, मज़ा दोनों में, आप दोनों का अपना अपना है। ये ज़रा ज़्यादा अब आके लगता है कि सुकून वाला काम है, जब वन यू डू इट फॉर सच अ लॉन्ग टाइम तो आपको ये प्रेशर नहीं होते कि क्या सवाल पूछना है, क्या ठीक है, क्या गलत है। इट्स ईजियर टू टेक पोजिशन, इट्स ईजियर टू टेक टू लोगों के सामने खड़े होकर बात करना ज़्यादा आसान हो जाता। उस वक्त ज़ाहिर है वो एक अफसरों का प्रेशर होता है, बॉसेस का प्रेशर होता है। मुझे याद है मैं तलत साहब हमारे DN होते थे, मैंने जॉगिंग ट्रैक्स पहन के एक इंटरव्यू कर दिया था, वो TV पे चल के, और चला भी PTV पे, उस वक्त PTV अकेला चैनल था, बड़ी बिस्ती हुई उस टाइम। तो इस तरह की बिस्तियाँ होती हैं, जब आप बिस्ती का बिस्ती नहीं होती ना, यू नो नोबडी कैन, जनरली स्पीकिंग आपकी एक प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन होती है,
उस टाइम बिस्ती होती थी। सही। अच्छा आपके आपने एयरवाइज से स्टार्ट किया था एज प्रोग्राम होस्ट जो आपने किया और फिर आप एयरवाइज पे ही हैं, इसकी कोई खास वजह? बड़ी आसान सी वजह, मैं अमूमन सोच मैं लोगों को ये कहता हूँ अपने दोस्तों को भी जो सोच रहे होते हैं छोड़ने का, कि देखिए आपको तीन चार चीज़ें जिनको मैं बार बार कहता हूँ कि आपको ये चार चीज़ें अगर किसी जगह मिल जाए तो आप क्यों किसी जगह को छोड़ के जाएंगे। सबसे पहली चीज़ लोग आपकी इज्जत करते हैं, जो कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारी आई रियली गेट लॉन्ग विद सलमान इकबाल एंड माई बॉसेज, माई जितना मैनेजमेंट है सबके साथ मेरी बड़ी बनती है, बड़ी इज्जत करते हैं, पहली चीज़ सबसे बुनियादी जरूरत होती है। दूसरा होता है आपका फ्रीडम, कि आपको कितनी आज़ादी है बात करने, वो मुझे मुकम्मल आज़ादी है मुझे लगता है। कुछ थोड़ी सी इतनी कदगने तो सारों पर होती हैं लेकिन बाकियों के मुकाबले में मुझे ये लगता है कि मैं बहुत आसानी से और आज़ादी से बात कर सकता हूँ। दो, तीसरा होता है कि आपके पास आप जिस चैनल में बैठे उसकी लॉजिस्टिक्स, उसके वो कितना टेक्निकली साउंड है, मतलब आप अच्छे हैं, मालिक अच्छे हैं, फ्रीडम अच्छा है, लेकिन उनके पास कैमरा नहीं है, उनके पास डीएसएन नहीं है, तो आप वहाँ पे भी काम करना मुश्किल हो जाता है। वी डोंट यू कांट डू व्हाट यू वांट टू डू, सो वो भी बहुत अच्छा है। चौथी आखिरी चीज़ सबसे नीचे लेवल पे लेकिन आपको फाइनेंशियली कोई मसला नहीं है, यू टेकन केयर ऑफ फाइनेंशियली, सैलरीज आपकी अच्छी है, वो भी बहुत अच्छी है, तो आप किस लिए छोड़ के जाओ। अच्छा आजकल एक ट्रेंड है, हर कोई देखा जाए तो हर साफी लिखते हैं आजकल, आर्टिकल्स लिखते हैं, कॉलम्स, आपको लिखने का शौक? नहीं शौक तो है, मुझे नहीं लगता कि मैं, देखिए मुझे अपनी जितना शौक काम करने का उतना शौक मुझे अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय करने का भी है। मुझे मैं अभी चार प्रोग्राम्स हफ्ते में करना कई दफ़ा मुश्किल हो जाता है, उसके बाद आपके और दोस्त होते हैं जिनके प्रोग्राम्स में आपको जाना होता है, आई नीड सम टाइम, मुझे मेरे बच्चे छोटे हैं, आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ विद माय किड्स, माय फैमिली, माय वाइफ, सो उनको टाइम देना है, आई वांट टू ट्रैवल, मुझे ये प्रेशर्स बुरे लगते हैं कि आप चार दिन आपने प्रोग्राम का प्रेशर लिया उसके बाद आप बैठ जाएँ आर्टिकल लिखने के लिए, तीन चार घंटे आर्टिकल्स लिखने में, उस ज़ाहिर है एक एक जब आप लिखेंगे तो आप दो या तीन या चार इम्पैक्ट कर बनाने के लिए आपको ज़रा मल्टीपल आर्टिकल्स लिखने पड़ते हैं। सो मुझे ये भी लगता है कि मैं शायद इस वक्त मेंटली उस चीज़ के लिए तैयार नहीं। सही। अच्छा थोड़ी सी बात करते हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं मेरे पास, आप उनके ऊपर ओपिनियन दीजिएगा, योर पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी आपके माइंड में आए, ठीक है? मुझे क्यों निकाला, योर रिएक्शन। मनी ट्रेल ना देने पर निकाला, सिंपल सी बात है। ये सवाल अगर वो पूछे जिनको ये ना पता हो कि मुझे क्यों निकाला तो मुझे समझ में आती है, आपसे तो कहा गया था ये दे दें और घर जाएं, आपने ये नहीं दिया तो इस वजह से आपको निकाल दिया गया, सिंपल सी बात। ठीक है, एक एक अभी आपने एक एक लाइन बोलनी है इनके ऊपर, ठीक है? जब पानी बारिश आती है तो पानी आता है, जब ज़्यादा बारिश आती है तो ज़्यादा पानी आता है। देखिए मेरा तो ख्याल है जब ज़्यादा जिम्मेदारी आती है तो बयानात भी ज़्यादा जिम्मेदारी से देने चाहिए। अच्छा मैं खुदकुशी कर लूँगा लेकिन कर्ज नहीं लूँगा, फिर लेना पड़ा फिर लेना पड़ेगा तो है। अच्छा ऐसी बात करने से पहले ये सोच लें कि कभी हुकूमत में भी आना पड़ सकता है। अच्छा एक और बहुत फेमस स्टेटमेंट थी कि कोई पूछे तो कहना खान आया था, वो तो सारी पाकिस्तान देख रहा है कि खान है। अब खान साहब को कोशिश ये करनी है कि लोग ये ना कहें कि क्यों आया था। सही। और आखिरी जो है उसमें ये है कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। इसका मैं क्या जवाब दूँ जी, मतलब आप इसका जवाब तो एक ही है कि आपकी लंदन में भी प्रॉपर्टी है, खैर उनकी नहीं लेकिन उनका एक जुमले का आगे एक और कंटिन्यूएशन थी कि मेरे बहन भाई और मेरे वालदा की प्रॉपर्टीज़ कहाँ से निकाल कर लें, तो उसका जवाब तो सिर्फ यही है कि आपकी वालदा की नाम भी प्रॉपर्टीज़ हैं, आपके भाइयों के नाम भी प्रॉपर्टीज़ हैं लंदन में भी और पाकिस्तान में। अभी इट्स मोर लाइक अ रैपिड फायर, ठीक है? वन एक लाइन में आपने जवाब देने, या अगर हाइपोथेटिकली मान लें कि अगर आप एक दिन सुबह उठते हैं आपको वज़ीर आज़म पाकिस्तान की लाइफ जीनी है, पहला काम आप क्या करेंगे? पहला काम है, बड़ा मुश्किल सवाल है, मैं बहुत सारे काम करना चाहूँगा, आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग। पहला काम तो उठ के माँ से दुआएं लूँगा कि अल्लाह करे कामयाब करें। क्योंकि एक दिन में तो कुछ नहीं होगा लेकिन माँ की दुआ बड़ी ज़रूरी। सही। अच्छा अगर आप एक हाइपोथेटिकली ऑब्वियसली कि अगर आप एक कश्ती पे हैं, ठीक है, आपके साथ आपके दो फ्रेंड्स हैं हामिद मीर साहब और मोहम्मद मालिक साहब, किसको धक्का देंगे, किसको साथ रखेंगे? मालिक साहब को धक्का दे दूंगा क्योंकि मीर साहब माइंड कर देंगे। अच्छा ठीक है, अगर किसी मालिक साहब इज अ गुड स्पोर्ट, मालिक साहब कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा किसी भी वजह से अगर आप पॉलिटिकल प्रोग्राम्स नहीं देख पाए, आप किसी इशू के ऊपर जानना चाहते हैं फॉर एनी रीज़न, आपको अभी पता नहीं है क्या हो रहा है पॉलिटिक्स में, आपको कुछ प्रोग्राम्स देखने हैं, तो हामिद मीर, नदीम मलिक, कामरान शाहिद और मोहम्मद मालिक, किसका प्रोग्राम आप प्रेफर करेंगे? मीर साहब या मालिक साहब?
कौन सा ऐसा इंटरव्यू है जो आपको करके मतलब एक बहुत है ना पर्सनल खुशी होती है सेटिस्फेक्शन जो आपके थे यार वो इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा था? आई डोंट थिंक दिस वन दैट स्टैंड्स आउट. मुझे कोई ऐसा इंटरव्यू जो मेरे लिए बड़ा हिस्टोरिकल हो. इवेंट्स तो हो सकते हैं, मैं लाल मस्जिद का इवेंट एक ऐसा इवेंट था जो मैंने बड़ा करीबी उसको कवर किया. लॉयर्स मूवमेंट वाज अनदर, पैनमा एक तीसरा. इश्यूज तो ऐसे हैं जिसके ऊपर मैंने बड़ा बहुत काम किया या प्रोग्राम्स किए. एक पर्टिकुलर प्रोग्राम मेरे जहन में इस तरह का कोई नहीं जिसको देखूँ. ये बहुत अच्छा प्रोग्राम कौन सा? आई एम श्योर. चले मैं आपको बिकॉज आई वॉज यंग इसलिए मैं ठीक है. मुझे अब हाइंडसाइट में याद आया, मैंने शेख रशीद साहब का एक इंटरव्यू किया था 2005-06 बात होगी. शेख साहब इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थे मुशरफ साहब के. तो उस टाइम मैं भी बहुत यंग था, प्रोग्राम भी इतना सीरियस नहीं था, मतलब ज़्यादा उस टाइम नया टीवी आया हुआ था. तो शेख साहब तो अव्वल तो आते नहीं थे. उस दिन आ गए, कमिट कर दिया, आए और मुझे अभी भी याद, उन्होंने कहा और जल्दी लिखा यार मेरे को टाइम कोई नहीं, मैं जाना किसी. कितनी देर तक प्रोग्राम है? मेरा ख्याल है उस टाइम हम को 35 मिनट्स का 30 मिनट्स का प्रोग्राम रिकॉर्ड करना. मैं कहा जी 30 मिनट. और यार छोटा का मेरे पास इतना टाइम नहीं है. और इवेंचुअली वो प्रोग्राम 1 घंटे से ऊपर चला गया. अच्छा. शेख साहब प्रोग्राम जो खत्म हो गया था, वो मैं तो थे 2020 खेल लिया था उस टाइम. 2020 का फॉर्मेट नया नया आया था. 2020 खेल लिया था ना, या 2020 का कोई इस तरह की टर्म इस्तेमाल की मुझे याद है. फिर शेख साहब ने कहा कि ये मैं इस प्रोग्राम को PTV पे चलाना चाहता हूँ. मैं कहा जी मालिक से बात कर लें. तो बाद में मैंने उनके जो PS था उसको फ़ोन किया. मैं कहा यार वो शेख साहब ने कहा था PTV पे चलना है इंटरव्यू. कहा था सर PTV तो चलने के काबिल थोड़ी है. सो दैट वाज वन इंटरव्यू. क्योंकि बहुत और मुझे याद है मेरा एक रिपोर्टर था, एक हमारा मेरा दोस्त जाजेब, वो पिंडी से आता था. तो मेरे मुझे उसका उसने कहा कि सर वो एक मैं जिस टैक्सी पर आया था उस बंदे ने आपका प्रोग्राम देखा. मैंने कहा मैं उस मुंडे ने मिलना नहीं, कल शेख रशीद का इंटरव्यू किया. So I had to go out and meet him also. So that was one interview जिसके जो कम से कम उस वक्त के हिसाब से. अच्छा, एक ऐसा interview या कोई ऐसी personality जिसका interview आप कहते हैं करना है? सरदारी साहब का interview करना चाहते हैं. हालांकि मैंने किया था. उस time का माहौल इस किस्म का था. But I would जो सवाल सारे पूछे जाते हैं, I would like those to ask those questions of सरदारी साहब. अच्छा, अब जो मैं आप ये नाम लूँगी, आप आपके माइंड में जो पहली बात आया आपने वो कह देनी है. मौलाना फजल रहमान. देखिए बड़ा आसान कहना है आपका कि जो पहली चीज़ आपके दिमाग में आती है वो पहली चीज़ कही नहीं जा सकते. बहुत कुछ चीज़ें आप कह सकते हैं, कुछ चीज़ें हमें भी पॉलिटिकली करेक्ट रहना पड़ता. मेरे दिमाग में तो जो आता है मैं खैर वो आई कांट से दैट. छोड़े नेक्स्ट. अच्छा चलें, नवाज शरीफ. मुझे क्यों निकाला? आसिफ अली जरदारी. सरे पैलेस. पहली चीज़ मेरे दिमाग में सरे पैलेस. फॉरन अकाउंट्स ये चीज़ें मेरे दिमाग में पहली पहली आती. शेख रशीद. शेख साहब को तो मैं इमरान खान साहब ने क्या कहा था, अपना अल्लाह मुझे ऐसा सियासतदान ना बनाए. आई रियली लाइक शेख साहब. मेरी शेख साहब से बंदी मेरे इलाके से भी है. मैं ज़ाहिर पिंडी से था, मेरा घर पिंडी में था. बट शेख साहब की पॉलिटिक्स काफ़ी नशेब व फराज देखे. अच्छा, बाइक्स और कार. आई एंजॉय अ बाइक बट आई फील सेफर इन अ कार. क्रिकेट और फुटबॉल? क्रिकेट इजीली बट फुटबॉल आई लव फुटबॉल. आपको मैं फुटबॉल बहुत देखता हूँ. मैं रवासी. द बेटर मदर और द बेटर वाइफ? और हम बोथ. आई एम ऑनेस्टली टेलिंग. हां ऑनेस्टली बता रहा हूं, दोनों सही. अच्छा, कॉफी और चाय? चाय. नेटफ्लिक्स पे लास्ट शो आपने कौन सा देखा था? ओहो ला, पिछले कितने महीने हफ्तों से एक पुर्तगाल रेजरेक्शन के नाम से एक सीरीज है जो टर्किश हिस्ट्री के बारे में. मेरा ख्याल है सुबह मैंने वो एक दिन तो ऐसी फंसी हुई थी एक जगह पे सीरीज चल रही थी कि मैं 1:30 बजे सारे मैं बैठ के वो सीरीज देख रहा. अच्छा. दोपहर को 1:30 बजे पिछली रात में. हालांकि 9-10 बजे मैंने शुरू किया और अभी भी चल रही है. आखिरी 2-4, 8-10 एपिसोड रह गए उसके. अच्छा, एक चीज जो आप कहते हैं ये मेरे में यार चेंज हो जाए, आदत कोई? कितना अच्छा जवाब मेरे में, सच बोल लेंगे. एक चीज जो मेहर मैम कहती हैं आप चेंज करें या कंप्लेन करती हैं? एक्सप्रेसिव नहीं. और अगर आप दोनों में कभी लड़ाई हो जाए तो मनाता कौन है पहले? हल्की बुल्की बातों पे हो जाता है ना? हो जाता, बिल्कुल हो जाता. उसका ख्याल है मेरा गुस्सा ज्यादा तेज है तो दोनों से जो कर ले. मतलब वो बात नहीं है कि मैंने नहीं करना तो मैंने, दोनों जो करते हैं वो कहीं ना कहीं मामला सेटल हो जाता, बहुत जल्दी सेटल हो जाता. सही. अच्छा, कुछ अब आपका ओपिनियन क्या है कि पाकिस्तान में आपके ख्याल में जमहूरियत है?
इलेक्शंस का नाम अगर जमहूरियत हो तो है, वरना इलेक्शंस का नाम सिर्फ जमहूरियत सिर्फ इलेक्शंस का नाम नहीं है. बहुत क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी इज रियली बैड इन पाकिस्तान, बहुत ख़राब है. 2018 के इलेक्शंस अनफेयर थे, अनफेयर थे. और 2013 के अनफेयरिश थे. नवाज शरीफ या इमरान खान बेहतर वज़ीर आज़म सोफा? इमरान खान साहब का पहला साल है, बैड टाइम टू जज. अगर एक एक साल करें दोनों का तो नहीं, एक साल में जज कर नहीं सकता. मियाँ साहब के हमारे पास तीन टेन्योर्स हैं, सो इट्स अ बैड कंपैरिजन टू. पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? हमारी कौम. कैसे? बेचारे हमारी इस देखें, कौम बनती है या कौम गिरती है. हम ये सोचते हैं कि सियासतदान या हमें बनाएगा या गिराएगा. नहीं, आप पहले मैंने जो लोग हैं इस मुल्क में वो ठीक होंगे तो सब निज़ाम ठीक हो जाएगा. अगर आपने पिछले 70 साल में ऐसे निज़ाम के साथ रहने का फैसला कर लिया जिसमें आपको पुलिस वाला रगड़ा देता है, पटवारी रगड़ा देता है, अदालत में आपको इंसाफ नहीं मिलता, दादे का इंसाफ पोते को मिल रहा है, कोई इदारा काम नहीं करता, इसमें गलती उसकी थोड़ी है जो ऊपर बैठा, क्योंकि आप तो बार बार उसी को वोट डाल के ले आते हैं. आप खड़े होंगे तो ये निज़ाम, लोग दुनिया में इंकलाब आए, दुनिया में मुल्क बाहर निकलते हैं. अगर आपने सही जमहूरियतें देखनी है, वहाँ देखें, जब इराक की वॉर होने लगी थी मिलियन लोग जगह जगह बरतानिया यूरोप और अमेरिका की सड़कों पर थे कि ये गलत है, क्योंकि वो ठीक और गलत के दरमियान फ़र्क समझते हैं और ठीक और गलत में से किसके साथ खड़ा होना ये जानते हैं. हमारा मसला ये है कि हम ये बस हमने फैसला ये कर लिया कि ये अगर गलत भी है तो मेरा गलत है चूके, तो मैं इसके साथ ही खड़ा हूँ. जब तक हमारी कौम ठीक नहीं होगी, ठीक नहीं. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, जो अभी नवाज शरीफ साहब जो अपने घर में शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ पे उनके लिए सारा सेटअप किया गया है, हाउ यू सी दैट? देखिए, बड़ा मुझे लगता है ऑप्टिकली बड़ी गलती की है मियाँ साहब ने. दो गलतियाँ की, एक तो देखिए पैदल चल के गाड़ी तक जाना, घर में आईसीयू कर देना, क्योंकि एक पहले भी फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उस फैसले में भी मियाँ साहब ने 6 हफ्ते का टाइम मिला था, लेकिन बाद में क्रिटिज्म तनकीद ये हुई कि जनाब आपको सेहत के लिए बाहर जाने का कहा था, आप तो घर चले गए. अभी भी ये इंप्रेशन क्रिएट नहीं होने देना चाहिए था उनको. देखिए, एंड ऑफ द डे पॉलिटिशियंस भी हैं, पॉलिटिशियन को इस बात का बड़ा फर्क पड़ता है कि इमेज क्या जा रहा है, ऑप्टिक्स क्या जा रही है, परसेप्शन क्या बनेगी. पॉलिटिक्स इमेजेस ऑप्टिक्स और परसेप्शन की गेम, ये रियलिटी आज तक आपको नहीं पता किस चीज़ की क्या रियलिटी. क्या आप जानते हैं कि किसी भी कोई भी बड़ा क्राइसिस उठा के देखें, कोई बड़ा स्कैंडल उठा के देखें, किसी मुल्क इस मुल्क में क्या किसी स्कैंडल को हमने नुकरे पहुंचाया कि ये ठीक था ये गलत था, जिसको सारी दुनिया सारा पाकिस्तान मानता हो कि हाँ यार ये फैसला ठीक हुआ. वजह क्या है? क्योंकि अगर पैनमा आता है तो दो नैरेटिव्स हैं. ऑपोजिशन उस वक्त की कह रही होती है सब चोरी का पैसा है, उस वक्त की हम तो बिल्कुल ठीक. आज तक नहीं पता चला कि सर पैलेस ठीक था गलत था, बैंक अकाउंट्स में पैसे कितने थे, कहाँ से आए, कौन लेकर गया, ये करप्शन के केसेस आज तक पाकिस्तान में सवाए मियाँ साहब को अब आके सजा हुई है केस में. करप्शन के ऊपर ना किसी को सजा होती है ना किसी और चीज़. सो हमारे मुल्क में हर चीज़ को यहाँ पर, क्योंकि ऑनेस्टी ना है ना लोग मांगते हैं ना, इसी वजह से किसी को देने की जरूरत होती है. एक सियासी बयानबाजी होती है, उस बयानबाजी में जो हावी हो गया वो जीत. बहुत शुक्रिया, मुझे तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. उम्मीद है कि आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा ये इंटरव्यू जब आप लोग देखेंगे. आप ज़रूर बताइएगा अपनी राय से, आगाह कीजिएगा कमेंट्स में. आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें.